जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को टीम इंडिया की इंग्लैंड के विरुद्ध एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद यही थी कि रिजल्ट ऐसा ही आएगा, लेकिन जब मैच कटा तो ऐसी उम्मीद थी कि शायद ये मैच इंग्लैंड जीतेगा। तो बात करेंगे चौथे टेस्ट मैच के बारे में, जो कि खेला गया 23 से 27 फरवरी तक। हालांकि वो खेला 26 फरवरी तक ही गया, और मैंने वादा करा था कि उससे पहले ही हम मिलेंगे, और हम मिल रहे हैं क्योंकि उम्मीद थी चौथा टेस्ट अच्छा होगा। बस यही हम चाहते थे कि जब इंडिया जाए पांचवे टेस्ट में धर्मशाला में, तो 3-1 की लीड लेके जाए, 2-2 की ना लेके जाए। लेकिन ऐसा पहले नहीं लग रहा था, क्योंकि जब टॉस हुआ तो टॉस का बॉस बने बेन स्टोक्स, और अभी तक जिस टीम ने भी टॉस जीता था उसने पहले बैटिंग करी थी और वही टीम मैच जीती थी। चाहे बेसबॉल चलाओ या चाहे डिफेंसिव क्रिकेट चलाओ, चाहे रो बॉल चलाओ, तो ये है कि अच्छी इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करी, बावजूद इसके एक वक्त तो 112 पे पास था, लेकिन 353 तक वो पहुंच गया। जैक क्रॉली ने अच्छे स्टार्टिंग में 47 रन बनाए 5 विकेट गिरने के बाद। बेन फोक्स ने अच्छे 47 रन बनाए, और नीचे ओली रॉबिसन ने 58 रन बनाए थैंक्स टू अंपायर एज वेल, यानी कुमार धर्मसेना, जिनके अक्सर डिसीजन भारत के खिलाफ जाते हैं। हालांकि इस मैच में इसके बाद नहीं गए, क्योंकि 58 रन उन्होंने बनाए, 0 पे वो आउट थे। तो यह है कि 353 तक गया, लेकिन जो सबसे अच्छी पारी खेली इंग्लैंड के लिए वो, और कहना होगा इस सीरीज़ की सबसे वन ऑफ द बेस्ट पारी इंग्लैंड के बैटर की, वो खेली इंग्लैंड के आज तक के सबसे अच्छे बल्लेबाज। भारत में भी उनको बहुत पसंद किया जाता है, और हर भारतीय फैन भी चाहता था कि वो अच्छे क्रिकेट खेलें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोसेफ एडवर्ड रूट। वेल डन जोसेफ एडवर्ड रूट। वैसे तो जब भी आप 100 बनाते हो अब तो बड़ा बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, एक वक्त अच्छा लगता था, लेकिन आपने कुछ ऐसे जीते हुए मैच हमें हरा दिए, लेकिन जब भी आप खेलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने 122 रन की पारी खेली, और वो भी अश्विन, जडेजा, कुलदीप, और साथ ही साथ में बात करूं सिराज जैसे इतने एक्सपीरियंस्ड और अच्छे बॉलरों के सामने, और साथ में आकाशदीप जिनका डेब्यू था, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा खेल है जो रूट, 10 चौके भी उन्होंने लगाए। अगर मैं भारतीय बॉलिंग की बात करूं तो हाईलाइट ये रहा कि कुलदीप को विकेट नहीं मिली क्योंकि ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली, अश्विन 1 विकेट, थोड़ा निराशाजनक रहा। कुलदीप की मैंने बात करी, जडेजा की भी अपना यह कि 4 विकेट आई नीचे, उन्होंने टेल को फिर जल्दी आउट कर दिया लास्ट की 3 विकेटों को, जबकि पहले ही 100 रन की साझेदारी रूट और मैं बात करूँ रॉबिसन की हो चुकी थी। साथ ही साथ और बॉलर्स की बात करें, सिराज को बीच में 2 विकेटें मिली, लेकिन जो सबसे अच्छे भारत के लिए बॉलर रहे इस मैच में, मतलब मैं बात करूं पहली इनिंग में, तो रहे आकाश एक्यूरेट दीप। जी हाँ, जिनका ये टेस्ट डेब्यू था, उनके फादर का सपना था बट वो अब नहीं रहे, उनका भाई भी नहीं रहा, तो उनकी मदर वहाँ मौजूद रही, और एक बहुत अच्छा भारत के लिए नया टेस्ट डेब्यूटेंट आया, और 3 आते ही विकेट ले ली, डकेट की ली, और साथ ही साथ मैं बात करूँ क्रॉली की ली और अवली बोफ की ली, जो कि तीनों ही बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, और लगभग 280 के ऊपर तीनों ने ही रन बनाए हुए थे। अब मैं बात करूँगा भारतीय इनिंग की, तो पता था यार 350 रन जब होंगे तो थोड़ी भारतीय टीम बिखर सकती है, पूरी भी बिखर सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा तो वैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है हमारे कप्तान साहब, लेकिन वो आउट हो गए 2 रन पे, तो उनकी बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी बल्लेबाजों की, जैसे मैं बात करूँ पाटी तर लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ 17 रन पे वो आउट हो गए, जबकि 3-4 अच्छे उन्हें चौके भी मिले थे। अंपायर्स कॉल थी, हालांकि शुभमन ने अच्छा खेला लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए 38 पे। LBW हुआ, सरफराज 14 पे आउट हो गए, जडेजा 12 पे आउट हो गए, अश्विन 1 पे आउट हो गए, और तब भारत 176 रन पीछे था। लेकिन इससे पहले ये हुआ कि फिर से चमके यंग गन यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, यशस्वी वो पारी खेलते हैं, और 4 डिकेड के बाद वो ऐसे पहले खिलाड़ी बने भारतीय ओपनर की मैं बात करूं जिन्होंने अपना एक सीरीज में बनाए 600+ रन। जी हाँ, सुनील गावस्कर था, ग्रेट सुनील गावस्कर ने काम करा था जब अपनी पहली सीरीज में 774 रन बनाए थे, फिर एक और बार बनाए थे, उसके बाद ना जाने कितने अच्छे ओपनर आए, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, मुरली विजय, KL राहुल, लेकिन कोई भी इतने रन नहीं बना पाया, जबकि 3-4-5 मैच सबकी उनको भी सीरीज मिली, लेकिन 600+ रन और 655 अब हो गए जो विराट कोहली के एक टाइम पे इसी इंग्लैंड के सामने थे, हालांकि वो मिडल ऑर्डर में थे। तो इतने ज़्यादा रन एक सीरीज में बनाना, मतलब 22 साल की उम्र में इंडियन बैटिंग लाइनअप को मैं बात करूं अपने उठा के लेके चलना, ये तो सर सचिन तेंदुलकर करा करते थे। बहुत अच्छे यशस्वी खेल रहे हैं, पहले मैच में 80, फिर दूसरे में 209, तीसरे में 214, और अब इसमें 73, लेकिन जब वो बोल्ड हुए तो भारत 176 रन पीछे था और 3 विकेट ही बची थी, और अब बल्लेबाज के नाम पे सिर्फ विकेट कीपर ध्रुव जुरेल और थोड़े बहुत कुलदीप बचे थे। इंग्लैंड खुशी मनाने लगा था कि यार 30 रन में भारत आउट होगा, फिर 150 की लीड होगी, हम 300-350 भी डिक्लेयर करेंगे, 450 का टारगेट होगा, भारत 150-200 पे आउट होगा और 300 रन से या 250 रन से मैच जीतेंगे। माइकल वोहन, नासिर हुसैन और मोंटी बनेसर हमेशा की तरह पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि नेवर अंडर एस्टिमेट दी पावर ऑफ इंडियंस, ये खुद जस्टिन लैंगर ने कहा था, और ऐसा ही हुआ क्योंकि बहुत ही अच्छी, लगभग मैं बात करूं तो 75 रन की साझेदारी हुई कुलदीप और ध्रुव जुरेल के बीच। बहुत अच्छे, कुलदीप ने 130 के आसपास बॉलें खेली, अगर मैं बात करूं 28 रन बनाए, 2 चौके लगाए और बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करी। आकाशदीप ने 9 रन ही भले बनाए, 1 छक्का लगाया, लेकिन 40 रन की पार्टनरशिप करी ध्रुव जुरेल के साथ और 15 रन की साझेदारी करी सिराज ने। और जो सबसे अच्छी पारी भारत के लिए इस मैच में खेली वो खेली अपना ही बस दूसरा मैच खेल रहे ध्रुव जुरेल ने, बहुत ही अच्छे 4 लंबे छक्के लगाए और 6 चौके लगाए, बहुत अच्छी 90 की पारी खेली, शतक मिस हुआ, लेकिन ये
शतक से भी ज़्यादा था, 150 या 200 था, क्योंकि भारत जो एक वक्त में बात कर रहा हूँ 176 रन पीछे था, 150 रन पीछे रह सकता था, वो मात्र 46 रन पीछे रहा। और अब यहाँ से भारत को दिशा मिल गई थी, अच्छी रोहित ने अटैकिंग कप्तानी करी दूसरी इनिंग में, जो कि पहले में डिफेंसिव लग रहे थे। ओपनिंग कराई अपना अश्विन और जडेजा से, और डकेट को आते आउट कर दिया अश्विन ने, बात करूँ 15 रन पे, पोक को शून्य पे कर दिया, फिर 67 पे तीसरा विकेट गिरा जो रूट का, जब अंपायर्स कॉल हुई और उस पर काफ़ी विवाद भी हो क्योंकि जो रूट आउट नहीं थे। लेकिन भाई मेरा सवाल यह है, जब औरों के साथ होता है तब क्यों नहीं कहते? ओली रॉबिन्सन ने जो 58 रन बनाए, शून्य पे आउट थे, और हमारे चार चार बंदे अंपायर्स कॉल में आउट हो गए। शुभमन गिल 38 पे थे, क्या पता शतक लगा देते। रजत पाटीदार चलो आउट ऑफ फॉर्म है, साथ ही साथ अश्विन इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो एक पे आउट हो गए। तो जब हमारे तीन चार बल्लेबाज आउट हो गए तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब यह कि जो रूट आउट हो जाते हैं तब आपको लग रहा है। और जो रूट इससे पहले क्या अच्छे पारियों में नहीं आउट हुए, मैंने कहा वो बहुत अच्छे खिलाड़ी, इनिंग में अच्छा खेले, लेकिन जैसे और बल्लेबाज बिखरे, क्योंकि मैं बात करूँ तो इसके बाद जॉनी बेयरस्टो 30 रन पे खेल रहे थे, उनको निपटाया गया। क्रॉली ने बहुत अच्छी पारी खेली 60 रन की, उनको निपटाया गया। बेन स्टोक्स के लिए आप क्या कहेंगे? पिछले मैच में कह रहे हैं कि यार अंपायर्स कॉल तो देखो नहीं होनी चाहिए। अब भाई ये बात तो आप सीरीज से पहले कहते, आप क्यों कह रहे हो? और साथ ही साथ वो तो अंपायर्स कॉल की वजह से बच भी गए, लेकिन फिर नहीं बचे। कुलदीप की अच्छी वन प्ले वर्ल्ड डिलीवरी आई और 4 रन पे बोल्ड हो गए। टॉम हार्डली इस बार कुछ नहीं कर पाए, 7 रन पे आउट हो गए। बेन फोक्स ने 17 रन जरूर बनाए, लेकिन अश्विन ने उन्हें अपना कॉटेंट बोल्ड कर दिया क्योंकि लंबे हैं, खुद कैच लेते हैं। और एंडरसन को फिर चुनने पे आउट करा और खोला अपना इस सीरीज का पहला पंजा। तो कुछ लोग कह रहे थे यार अश्विन तो अब विकेट नहीं ले रहा है, 500 विकेट जरूर ले ली, इसको अब हटाओ 100 मैच के बाद, क्योंकि पहली बार अश्विन के जीवन में ऐसा हुआ कि 6 या 7 पारियां चली गई बिना 5 विकेट हॉल लिए। भाई वो रविचंद्रन रिलायबल अश्विन है, 12 साल से नंबर 1 स्पिनर, ऐसे नहीं है पूरे वर्ल्ड का। और देखो जब जरूरत पड़ी, जब 46 रन आगे एक टीम थी तब कैसे आ गया है। साथ ही साथ सर जडेजा को विकेट मिला बेस्ट होगा, और सबसे अच्छी बॉलिंग और साथ में करी कुलदीप कमाल यादव, 4 बड़ी बड़ी विकेट, जैक क्रॉली की, बेन स्टोक्स की, साथ ही बात करूँ टॉम हार्डली की, ओली रॉबिन्सन जिन्होंने अशतक लगाया, उनको 0 LBW कर दिया। तो जो इंग्लैंड लगभग 67 पे 2 था, 110 पे 3 था, 145 पे ऑल आउट हो गया। अब लगा यहाँ से भारत मैच जीत जाएगा, क्योंकि भारत ने 40 रन की ओपनिंग कर दी डे 3 खत्म होते होते, और लगा बात ही मैच जीत जाएगा। शुरुआत भी अगले दिन अच्छी रही, कुछ 84 86 भारत का पहला विकेट गिरा था, 37 पे यशस्वी जायसवाल आउट हुए थे। उसके बाद लेकिन मैच पलटा क्योंकि जायसवाल ने तो 5 चौके लगाए, रोहित ने बहुत अच्छी पारी खेली, ये उनकी जीवन की एक बहुत अच्छी टेस्ट पारी होगी, क्योंकि 55 रन बनाए जिसमें 1 छक्का था और 5-6 चौके थे, लेकिन कोई उनके साथ बल्लेबाज एक्सपीरियंस नहीं था, ना जायसवाल को था, ना पाटीदार को था, ना सरफराज को था, अश्विन जडेजा को था, लेकिन आजकल वो भी वैसी बल्लेबाजी कभी कभी नहीं कर पाते हैं जो पहले वो करते थे। हालांकि जडेजा ने सीरीज में बहुत अच्छा खेला, लेकिन आप देखो ना वो कुछ 2-3 रन पे ही आउट हो गए 40 बॉलों, सरफराज 0 पे आउट हो गए, रजत पाटीदार 0 पे हो गए, और जो भारत 100 पे 1 था वो 120 पे 5 हो गया। यार अब लगा 72 रन है, बस वही 3-4 विकेटें बची हैं, ध्रुव जुरेल और साथ ही शुभमन गिल और अपना कुलदीप और अश्विन, और अगर 4 में से 2 भी निकाल दिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे भारत और अश्विन लास्ट तक लेके गए सिराज बुमराह, लेकिन जिता नहीं पाए थे हैदराबाद, नहीं तो हैदराबाद में भी अच्छा ही खेले थे, जो रोहित ने भी कहा कि हम बुरा नहीं खेले थे, इंग्लैंड ज़्यादा अच्छा खेले। लेकिन तभी 72 रन की बहुत ही अच्छी नाबाद साझेदारी हुई ध्रुव डेटरमाइंड जुरेल और शुभमन सेंसिबल गिल के बीच, बहुत ही अच्छे ध्रुव जुरेल ने नाबाद 39 रन बनाए, 2 चौके लगाए, जिस बंदे ने पहली इनिंग में 90 रन बनाए दूसरी इनिंग में 39 रन बनाए। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी पारी खेली हमारे यंग लॉर्ड ने, सेकेंड इनिंग में बहुत ही अच्छा खेलता है लड़का, हमेशा ही चाहे गाबा के 91 हो, पिछले मैच के 91 हो, उससे पिछले मैच के 100 हो, जैसे पुजारा भी आजकल सेकेंड इनिंग में बीच में ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे अपने लास्ट के 2-3 साल के फेज में, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही अच्छा खेल रहा है लड़का, बहुत अच्छी बात है। 51 रन बनाए, और वो जो यंग विराट कोहली खेलता था उसकी याद दिलाती, 2 लंबे लंबे छक्के लगाए, विराट कोहली को भी लोग मिस कर रहे थे, वो 4th इनिंग में कैसे वो इतना अच्छा जिता देते थे, अब थोड़ा लोगों को समझ में आता है और हम भी सोचते हैं कि कैसे कर लेता था। लेकिन भारत ने मैच जीत लिया। इंग्लैंड की मैं बॉलिंग की बात करूं पहली पारी में भी, तो अपना ये है कि एंडरसन को 2 विकेट मिले, 3 विकेट टॉम हार्डली को मिले, हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए उस सीरीज के 20, बुमराह अश्विन और जडेजा तीनों के 17 हैं, देखते हैं कौन टॉप पे आएगा। शोएब बशीर ने खोला पहली इनिंग में पंजा, तो वेल डन शोएब बशीर, दूसरी इनिंग में भी 3 विकेट लिए, टोटल 8 विकेट, 1-1 विकेट मिला टॉम हार्डली, और जो रूट तो भाई बॉलिंग बहुत अच्छी कराई दी है सीरीज में। तो खैर ये भारत ने मैच जीता अपना 3-1 से अपना बढ़त ली, और अच्छी बात ये रही ध्रुव जुरेल मैन ऑफ द मैच बने, रांची में विकेट कीपर मैन ऑफ द मैच बना, रांची का तो रणधीर था ना राजकुमार था, जो भारत को 3-3 ट्रॉफियाँ जिता के लाया, बहुत अच्छा विकेट कीपर था, यहाँ पे एक और विकेट कीपर हीरो बना। और कारगिल में थे इनके पिताजी, वो बहुत खुश हुए होंगे, तो बहुत एक इमोशनल लम्हा था। तो इस मैच में वही अच्छी बात रही जो वाइजैग, और मैं बात करूं दूसरा जो तीसरा मैच था उसकी अगर बात की जाए, क्योंकि वाइजैग में बस 2-3 लोग ही तो फ्लॉप हुए थे, अगर आप याद करो रोहित थे, रजत पाटीदार थे, और शायद एक आध खिलाड़ी कोई और रहा होगा, 8-9 खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करा था, और पिछले मैच में 10 खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करा था, सिर्फ रजत पाटीदार। इस मैच में भी मैं बात करूं तो 8-9 खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, आप सिर्फ अगर सरफराज और पाटीदार को हटा दें, अगर मैं नीचे से ही शुरू करूं तो आप देखिए सिराज ने भी बीच में 2 विकेटें ली, और अगर मैं साथ ही खिलाड़ियों की बात करूं अश्विन ने दूसरी इनिंग में पंजा खोल दिया, कुलदीप के तो भाई क्या कहने, कुलदीप कमाल यादव है, 28 रन बनाए और 4 विकेटें ली, जडेजा ने
जरूर इसमें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में भी 1 विकेट ली और फील्डिंग तो क्या करती हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँ शुभमन गिल पहली इनिंग में 38, दूसरी इनिंग में अपना 51 नाबाद। और मैं जायसवाल की बात करूँ 73 और 37, कप्तान रोहित इतनी अच्छी कप्तानी और साथ में 55 रन। और साथ ही साथ मैं और भी खिलाड़ियों की बात करूँ तो ध्रुव चुरेल तो सबसे अच्छे रहे। तो सारी बॉलर अगर आप सारे खिलाड़ियों को देखो, आकाशदीप के 3 विकेट है, तो जब इतने अच्छे मैच विनर बनते हैं तो चुनना मुश्किल हो जाता है किसको मैन ऑफ द मैच दें, किस किस का नाम देखें। लेकिन भाई नहीं, आप ऐसे ही खेला करो, वो मैन ऑफ द मैच वाले देख लेंगे, सब अवार्ड सबको देंगे और हम भी सबकी तारीफ करें तो नहीं थकेंगे, लेकिन खेले ऐसे ही करो। तो जवाब मिल गया होगा नासिर हुसैन, माइकल वोहन और साथ ही साथ मैं बॉन्टी पनेसर की बात करूँ जो पहले बहुत उछल रहे थे, क्योंकि जब ये अंपायर्स क्वालिटी ये सब रूल की बात होती है ना, जब हम जीतने लगते हैं तो पाकिस्तान को लगता है हमने बॉल बदल दी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसा लगने लगता है कभी कभी, जैसे न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका अच्छी हमारा साथ देते हैं, वेस्ट इंडीज श्रीलंका भी, और जब हम हार जाते हैं ना यही स्कोर लाइन इंग्लैंड के पक्ष में हो जाती 2-2 या 3-1, या अगला मैच भी जीत जाते हो 3-2 से सीरीज जीत जाते, तब ये कुछ और कहते। साथ ही साथ मैं बात करूं 17 सीरीज लगातार भारत की हो गई है घर में जीत, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया 10 जो माइटी ऑस्ट्रेलिया थी, तीसरे पे रिकी बॉन्टिंग के बाद जो एक और ऑस्ट्रेलिया थी, जो मतलब स्टीव वॉ के बाद जो रिकी बॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया थी, दोनों ही वो भी 10। तो आप सोचिए दूसरी और तीसरी टीम मिला के 20 है, भारत अकेले 17 हो गए, कितनी बड़ी बात है भाई, इतना आसान नहीं होता। सारे पिछम रन मैं बात करूँ वो जो टर्निंग ट्रैक आप कहते हो ना वो नहीं बनाते, आप नहीं जीत पाते हो। आप देखिए इतना अच्छा खेल, ये मानना पड़ेगा कि पिछले 11 साल में अगर कोई टीम बहुत अच्छा भारत को आके खेल के गई है तो इंग्लैंड ही है, वो इतनी अच्छी टक्कर अभी तक नहीं दी। उसके लिए बहुत बहुत आप बहुत अच्छा खेले। और अभी आखिरी मैच तब ज़्यादा धर्मशाला में उसकी भी बात करेंगे। और आप देखो हमारे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, जसप्रीत बुमराह भी इस मैच के लिए नहीं थे, राहुल 3 मैचों के लिए नहीं थे, और साथ ही साथ शायद अगले मैच में भी ना हो, बुमराह भी ना हो, जडेजा बीच में दूसरे मैच में नहीं थे जब हम 1-0 से पीछे लगे हुए थे, कोहली पूरी सीरीज़ के लिए नहीं थे, शमी पूरी सीरीज़ के लिए नहीं थे। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो पंत तो 1.5 साल से है, तब भी आप देखिए इतनी अच्छी कप्तानी रोहित ने करी और सारे खिलाड़ियों ने आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करा और करा। ठीक है रजत पाटीदार अभी अच्छा नहीं खेल पाए हैं, होपफुली उनको एक मैच में और मौका मिले, और अब रजत 50 नहीं 100 भी बल्कि 150-200 की पारी चाहिए, कुछ ऐसा करके दिखाओ, इतना प्रेशर मत लो, अच्छा आप भी खेलोगे और बाकी भी खिलाड़ी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी है, क्योंकि कहीं ने भारत ने कुछ चीज़ों में कमी भी करी, उनको अपना ओवरकम करना है। और जो आपने सब ने इतना अच्छा क्रिकेट खेला उसके तो खैर क्या गया, तो मज़ा ही आ गया। और बेन स्टोक्स की बात अच्छी लगी सुन के, वेल्डन बेन स्टोक्स के भाई 4 मैचों में पिच बहुत अच्छी मिली, चलो अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा और आप लोग भी बहुत अच्छा खेले, वेल प्लेड ऑल ऑफ यू। जो मैंने कहा जो रूट के लिए, खासकर एंडरसन के लिए, रॉबिसन के लिए, या शोएब बशीर या टॉम हार्डले की बात करें, और साथ ही साथ और भी बल्लेबाज, बेयर स्टो भी इस मैच में थोड़ा ठीक खेलते हुए दिखे थे, जैक क्रॉली, बेन डकेट पिछले मैच में, ओली पॉप पहले मैच में, तो सब अच्छा खेल रहे हैं। तो बात करेंगे इस मैच के बारे में जब अगला मैच आएगा धर्मशाला के बारे में 7 से 11 मार्च, क्योंकि एक खिलाड़ी हमारा रिलायबल अश्विन का होगा 100वां मैच, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो होगी, बाकी बीच में जो और वीडियोज होंगी उसमें बात करेंगे। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।